लोगों को समझाना चाहिए कि शराब खराब चीज है, मत पीजिए। जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहाँ जहाँ शासन है वहाँ कितना जहरीली शराब से मरे। कुछ नहीं बोलता, पहले एक एक चीज छपता था, आजकल सब जगह में जो गंदगी हो रही है वो नहीं कुछ छप रहा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। छपरा में जहरीली शराब से 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और जिसको लेकर अब सरकार सवालिया घेरे में। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जवाब दे रहे हैं छपरा में जहरीली शराब कांड पर। नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा ही। हमने पहले भी कहा है कि शराब गंदी चीज है और बापू का सपना है तो बापू के सपनों को पूरा किया जाएगा। और ऐसे में एक बार फिर से बड़ा सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी पर पीछे नहीं हटना चाहते हैं और लाख दबाव के बावजूद नीतीश कुमार ने आज सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी से वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। पूरे बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आदमी गड़बड़ करता ही है, ठीक है, विपक्ष राजनीति कर रहा है सर, इसका गलत कर रहा है। बीजेपी कोई फायदा नहीं है सर, बीजेपी करेगी कोई फायदा नहीं है शराबबंदी कानून से, कोई शराबबंदी कानून से कोई फायदा नहीं हो रहा बीजेपी का। नहीं नहीं, एकदम शराबबंदी कानून से तो बहुत लोगों का फायदा हुआ, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। और जो बिक्री हो रही है देख रहे हैं, सब्जी वगैरह से लेकर के एक एक चीज का, फल का, अब कितने लोग गरीब गुरबा तबका के लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं थे, हम तो बराबर न कह रहे हैं। घर की महिलाएं क्या क्या कही हैं, उसके पति शराब पीते थे, झंझट करते थे, और जब लागू हो गया शराब पीना छोड़ दिए, अब बहुत खुशी के साथ रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बाहर से सामान लाते हैं। ये तो शुरू से हो रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, बहुत लोग ने इसको अब स्वीकार किया है, लेकिन कुछ गड़बड़ करने वाले लोग। एक्शन होगा सर, उन पर एक्शन होगा, पूरा पूरा का पूरा देख नहीं रहे, बराबर तो कर रहा है, लेकिन हमने कहा है कि भाई देखो गड़बड़ असली काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो। अब ऐसे ही थोड़ा बहुत कोई आदमी कोई कम्मा को लेकर के गरीबी के कारण किसी के लिए कुछ कर दिया, उसमें उसको समझाना है, लेकिन बाकी लोगों को और उसको समझाना ही नहीं है, बल्कि उसको हम लोग कह रहे हैं कि काम मत करिए, अच्छा काम करिए, उसके लिए हम आप लोगों को मदद करना चाह रहे हैं। तो ये सब हम लोगों की इच्छा है, बोलिए। आप सब लोगों को पता है ना जी, कोई हम अपनी इच्छा से किए हैं, बोलिए। अब बापू की इच्छा सब दिन हम लोग बचपन से चाहते थे, लग रहा था कि इसको लागू किया गया पहले और उसके बाद भी हट गया तो एक तरह से, लेकिन जब महिलाओं ने मांग की 15 में तभी ना हम कहा कि ना ठीक है, अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे, बोलिए। सब लोगों ने समर्थन दिया है तो भाई एकदम लगना ना चाहिए, अभियान में चलाते रहना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि शराब खराब चीज है, मत पीजिए, ये सब बोलना आगे चाहिए। भी जारी रहेगा सर कानून। अच्छा, एक बात और पूछ लीजिए, जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहाँ जहाँ शासन है वहाँ कितना जहरीली शराब से मरना, आप पूछ लीजिए उन लोगों से। कुछ नहीं बोलता, पहले एक एक चीज छपता था, आजकल सब जगह में जो गंदगी हो रही है वो नहीं कुछ छप रहा, तो उसको क्या कीजिएगा बेचारे, आप लोगों का कोई दोष है थोड़ी है बेचारे का। अरे भाई आप लोग तो एक आध बार हमसे पूछ के थोड़ा सा भले चला दीजिएगा, लेकिन असली चीज तो है कि सब चीज को बैन कर देता है, ये हम तो जान रहे हैं, तो बाकी जो कुछ भी है तो लोगों तक तो सही बात पहुंचाता नहीं है। आगे भी लागू रहेगा शराबबंदी, शराबबंदी आगे भी लागू रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।